वेली गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों बात कर रही हूँ मैं सीरियल उड़ाई की। उड़ाई में मजेदार ट्विस्ट के साथ ये दिखाता है कि जहाँ एक तरफ जैद को बहुत घबराहट होती है अरमान के गोली चलाने से, यानी कि इधर मुर्तजम को गोली मारते हुए देख लेता है जैद और उठ के वो बैठ जाता है। वो इधर आशमा भी आती है उसको सुलाने के लिए। वो इधर दिखाता है कि आशमा अरमान के गले लग के बोलती है कि बहुत लकी है जैद कि तुमको इतना केयरिंग और वो पापा मिला। वही इधर आशमा और अरमान बहुत खुश है जैद को अपना के। दूसरी तरफ दिखाता है कि आलिया नौटंकी करती है, नाटक करती है अपनी माँ के सामने, यानी कि अरमान की माँ के सामने नौटंकी करती है कि मुझे मेरे लिए नहीं डर लगता है, मेरे बच्चे के लिए डर लगता है कि उसको किसी का भी प्यार नहीं मिलेगा। और वो जो जैद है वो तो बाहर का है लेकिन उसको इतना प्यार मिल रहा है और आप लोग का आग का सितारा बन गया। वो इधर भड़का देती है अरमान की माँ को और बोलती है कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। वो इधर देखने में मजेदार रहता है कि अरमान की माँ बोलती है कि जैद तो बाहर का है लेकिन वो कभी भी इस घर का नहीं बन पाएगा, लेकिन ये बच्चा इस घर का है और इस घर का खून है तो मैं उसको अपनाऊंगी और जैद कितने दिन रहेगा और पता नहीं। वही लेकिन इधर देखने में मजेदार होने वाला है कि इस बार भेदभाव का शुरू होगा। वही इधर आलिया का प्लान होता है सक्सेसफुल, यानी कि इधर आलिया बोलती है मुझे तो मेरी जगह नहीं मिली लेकिन मेरा बच्चा इधर जगह लेगा और सबसे बदला लेगा मेरे प्यार का। वही इधर दोस्तों देखने में मजेदार होने वाला है क्या आलिया की इस हरकत की वजह से जैद को मिलेगी पनिशमेंट और वो निकलेगा घर से। वही आलिया का प्लान होगा क्या सक्सेसफुल या इस बार आशमा फिर से कुछ करेगी नया। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक।